बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमें ए बी सी डी मैट्रिक्स दिया गया है, हमने फाइंड करना है ए बी एंड सी डी। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 4 और 1 एंड 3 1 एंड बी हमारे पास क्या है, बी है 1 माइनस 1 और माइनस 3 4। ये हमारे पास है और ए बी। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जब अभी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने क्या करना है, जो मैट्रिक है जो ए ये वाला जो है ना, आपने फर्स्ट रो और इसका जो है ना फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड कॉलम, आप एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको करा लेता हूँ तो आपको ये समझ आएगा। 4 को आपके क्या करना है, 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये वाला जो है ना सेकंड वाला 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। उसके बाद ये जो है ना, इसको फिर आपने फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब यहाँ पर जो है ना सेकंड रो है, तो सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यह हमारे पास आ गया ए बी। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जार 4 प्लस और माइनस 3 1 जार 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 जार 4 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 1 जार 4 उसके बाद 3 1 जार 3 प्लस माइनस हो जाएगा 3 1 प्लस और 3 1 जार माइनस 3 उसके साथ 3 1 जार 3 माइनस 3 प्लस 4 1 जार 4। अब करते हैं 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 तो ये 0 हो जाएगा और 3 प्लस माइनस 3 तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और इस तरह ये भी है माइनस 3 प्लस 4 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया, ठीक है, 1 0 0 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हमने फाइंड करना है सी डी। तो सी डी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सी डी इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है, 3 है 4 है और 1 2 3 4 1 2। डी हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 और 2 ओवर 3। अब हमने उसी तरह जिस तरह हमने ये किया फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, अगर तीसरा भी मौजूद हम उसके साथ तीसरा कॉलम भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड रो प्लस सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, 3 को हमने इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और 2 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 2 उसके बाद फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 2 उसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2
over 2 multiplied by 2 over 3. हमने क्या किया, हमने पहले प्लस रो के साथ प्लस काले मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और 2. इस तरह हमने सेकंड कॉलम के साथ और प्लस रो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3. इस तरह ये भी है सेकंड रो हो गया, तो सेकंड रो के साथ हमने प्लस कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और 2. या उसके बाद 1 प्लस उस प्लस हो जाए, उसके बाद जो है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 और या उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, और ए वाला हमारे पास 2 ये ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और बाकी जो है ना इसमें और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो इस बात करते हैं 3 प्लस माइनस 2 और 2 माइनस 2 ओनली माइनस 2, उसके साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 तो माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस हो 4 2 ज़ार 8 हो, 8 ओवर 3 हो जाएगा, उसके साथ 1 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और उसके साथ तो यहाँ पर जो है ना माइनस 2 हो जाएगा ये, और प्लस हो 2 2 ज़ार 4 4 ओवर 3 हो जाएगा. ओके अब इसको हम यहाँ पर जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. अब हम इसका एलसीएम लेना है, तो हमें क्या करना है, ये माइनस 6 ये भी हमने 3 जो डिनोमिनेटर है हमने उसको भी 3 करना है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ, तो ये 1 होता है तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 3 हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर के साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह वो ऊपर आपने भी करना है. ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए. अब इस तरह ये भी है, जिस तरह भी 1 है और इसके साथ भी हमने 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 2 जो है ना हम इसको इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इसके सेम हो गए, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये माइनस 6 हो 3 तो माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस हो 8 हो उसके 3 सेम होगा. ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना ये माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस हो 4 डिवाइड बाय 3. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस 18 प्लस 8 तो ये माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 ओवर 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 6 प्लस 4 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2 ओवर 3 हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया सी डी, आसान तो कोई मुश्किल नहीं था, ये हमारे पास तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. तो 1 0 माइनस 10 होती है, ये सी डी की वैल्यू आ गई. ये था क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.